भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल से पहले मुंबई पुलिस को मैच को लेकर के धमकी वाला मैसेज मिला है। सोशल मीडिया एक्स पर धमकी देने वाला पोस्ट अपलोड किया गया है। पोस्ट में मैसेज के साथ हथियारों की तस्वीर भी अपलोड की गई है। धमकी वाला पोस्ट मिलते ही मुंबई पुलिस अलर्ट मूड में आ गई है। वानखेड़े स्टेडियम की पुलिस सिक्योरिटी पुख्ता करने के साथ साथ मैसेज की भी जाँच की जा रही है। मुंबई पुलिस ने धमकी वाले मैसेज की पुष्टि की है। मुंबई पुलिस को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले विश्व कप सेमीफाइनल मैच में संभावित व्यवधान की धमकी वाला मैसेज सोशल मीडिया पर मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया मंच एक्स पर धमकी देने वाला पोस्ट किया गया था और इसमें मुंबई पुलिस के आधिकारिक हैंडल को टैग भी किया गया था। पोस्ट में एक बंदूक, हथगोले और गोलियों की तस्वीर बनाई हुई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमकी मिलने के बाद पुलिस वानखेड़े स्टेडियम की कड़ी निगरानी कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अपराध शाखा को भी जांच में शामिल किया गया है। वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुकाबला मुंबई के वानखेड़े मैदान में शुरू हो गया है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल मैच से टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। रोहित ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। न्यूजीलैंड ने भी अपनी टीम में कोई भी बदलाव नहीं किया है। यहाँ जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा और हारने वाली टीम के टूर्नामेंट के बाहर होने का टिकट कटेगा।